कैसे हैं आप सब। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ ज्योति और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। मित्रों, आज का वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर घर में, मैं हर घर नहीं कहूँगी क्योंकि ज़्यादातर घरों में ये दिक्कतें आ जाती हैं। क्या होता है कि कभी कभी पति जो है वो पत्नी से रूठ जाता है, पत्नी पति से रूठ जाती है और ये जो है सिलसिला कभी कभी बहुत लंबा चलता है और हमें पता ही नहीं होता कि ये जो बातें हैं हमारे बीच में जो मनमुटाव चल रहा है ये कब तक ख़त्म होगा। तो इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और एक अचूक उपाय बताने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, पूरा देखिएगा और इस उपाय को ज़रूर करिएगा ताकि आपके लाइफ में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी और ये एक बहुत पक्का और अचूक उपाय है। सबसे पहले तो ये बात कहूँगी कि हमें हमारे जो प्लैनेट होते हैं, हमारे जो ग्रह होते हैं वो इस तरह की जब ग्रह दशा आती है तब हमारे रिश्ते जो हैं इसी तरह से कभी कभी जो है जाने अनजाने में बिगड़ जाते हैं क्योंकि हम अचानक से कुछ कह देते हैं या कुछ इस तरह की बात आ जाती है अचानक से। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है जो कि ऐसी बात हो जाती है कि आपस में रिश्ते जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि या तो वो रूठ के चले जाते हैं या फिर रूठ जाते हैं या फिर बहुत दिनों तक इस तरह की जो है वो स्थिति चलती रहती है और सुधरने का नाम भी नहीं लेती, संभल भी नहीं रही है। मतलब चलिए थोड़े दिन की बात होती है तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन जब समय ज़्यादा लंबा हो जाता है, 5 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, साल भर तक भी हो जाता है, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो उसके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा चोट जो है वो मन पे पहुँचती है। मानसिक स्थिति जो है ना वो हमारी ठीक नहीं रहती, मन भी कहीं नहीं लगता और देखा जाए तो अगर मानसिक स्थिति सही नहीं है तो हमारी हेल्थ भी ठीक नहीं होगी। तो क्योंकि क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे घर से संबंध रखती है, क्योंकि घर में अगर वातावरण ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है तो सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव जो है वो घर के मुखिया को पड़ता है और घर के सभी मेंबर्स को पड़ता है, यहाँ तक कि बच्चे भी उस चीज़ों से प्रभावित होते हैं और उनका भी अपनी पढ़ाई लिखाई पे मन नहीं लगता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर के वातावरण को बहुत अच्छा रखना। हस्बैंड वाइफ के झगड़े जो हैं वो चलते रहते हैं लेकिन कभी कभी होता है कि थोड़ी देर के लिए होते हैं, उसके बाद एक दूसरे को आपस में थोड़ा बहुत कुछ कह लिया, उसके बाद ठीक हो गए। लेकिन जब बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बहुत बिगड़ जाती है, तब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैं खास एक बढ़िया उपाय बताने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले जो छोटे छोटे मैं आपको बढ़िया और अचूक उपाय बताती रहती हूँ वो आप तक पहुँच जाएँ। और मित्रों, छोटे छोटे जो उपाय होते हैं ना वो इतने इफ़ेक्टिव उपाय होते हैं, इतने बड़े काम कर जाते हैं। कभी कभी बड़ा उपाय जो है वो काम नहीं करता, जो छोटे छोटे उपाय जो हैं वो हम श्रद्धा और भाव से करते हैं तो हम बहुत जल्दी असर करते हैं, बहुत जल्दी प्रभाव डालते हैं और हमारे जीवन में बदलाव भी बहुत जल्दी लाते हैं। क्योंकि ये चीज़ तो आपको माननी ही पड़ेगी क्योंकि हमारे जीवन पे ग्रहों का प्रभाव तो होता ही होता है। क्यों कहते हैं कि ग्रह दशा चल रही है, हमारी ग्रह चाल थी ऐसी, इधर से हमें नहीं आना चाहिए था, हमें वो मिल गया तो उसने कुछ कह दिया, हम उधर से नहीं जाना चाहिए था, हम रास्ता भटक गए, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो डिपेंड करती हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ अचूक उपाय। तो उपाय क्या है सुनते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको तुरंत ही, जैसे ही ये सारी समस्या अगर होने लगती है तो आपको तुरंत ही सुंदर कांड का पाठ करने लगना है। सुंदर कांड का पाठ आप शुरू कर दीजिए। अगर वाइफ रूठ गई है या बहुत लंबे समय तक कहीं बाहर चली गई, मायके चली गई हैं, तो आपको अगर हस्बैंड है तो उनको ये पाठ करना चाहिए। रोज़ नहीं कर सकते तो मंगलवार और शनिवार को ये पाठ आप कर सकते हैं। पति की स्थिति भी ऐसी, महिलाओं के लिए भी ये बात है, अगर पति ज़्यादा रूठ गए हैं बहुत दिनों के लिए, मनमुटाव हो गया है, झगड़े चल रहे हैं, वो बात नहीं मान रहे हैं, तो भी आप इस तरह का जो भी मैंने आपको बताया है ये सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा प्रभाव डालता है क्योंकि ये देखिए क्रोध से ही सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। जब दोनों तरफ से क्रोध होता है, अगर एक तरफ से क्रोध है एक शांत है तो ठीक है, तब तो हर कोई ये चाहता है कि हम ही कहते रहें और अगला मेरी बात सुनता रहे। लेकिन जब क्रोध दोनों तरफ से हो जाता है तब ज़्यादा बात बिगड़ जाती है, तब ये मंगल ग्रह के ख़राब होने की वजह से होता है। तो आप मंगल ग्रह अगर ख़राब है तो इस तरह की बातें जो हैं वो आएंगी। तो आप सुंदरकांड का पाठ करें तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में, मतलब आपको ज़्यादा थोड़े दिनों क्या, मतलब एक हफ्ते के अंदर ही आपको उसका असर नज़र आने लगेगा। इतने इफ़ेक्टिव उपाय हैं क्योंकि प्राचीन काल के जो हमारे ग्रंथ हैं, ये शास्त्र हैं, ये जिस तरह से जो भी ये रामायण का पाठ करते हैं, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा इनका रिज़ल्ट मिलता है। तो आप ये करके देखिएगा, तो ये उपाय जब आप करेंगे तो करते ही आप देखेंगे कि बदलाव नज़र आने लग गया है।
तो आज का वीडियो यही तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।